जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक से करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 24x² मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 504x² प्लस 504x² आते हैं। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। टू से करेंगे, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन, टू टू ज़ा फोर x². फिर टू से करेंगे, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व x². फिर टू से करेंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू थ्री ज़ा सिक्स, ये आता है इसका 63 x². फिर थ्री से करेंगे, थ्री टू ज़ा सिक्स, 21x², फिर थ्री से करें 7x², फिर सेवन से करें x² आ जाएगा, फिर एक्स से करेंगे एक्स रह जाएगा, फिर लास्ट में एक्स से करेंगे तो वन आ जाएगा। अब इसमें से हमने मिड टर्म ब्रेक सर्च करने हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं इसको आप इसमें मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम करते हैं टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। तो हमने इसमें से मिड टर्म ब्रेक सर्च करने हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से नंबर मिलते हैं। ए टू को एक्स को इससे इससे करते हैं, तो अब मिड टर्म ब्रेक में जैसे इसके 56 और 56 और 9 बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको 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 और इसको। तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई एक्स, तो टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, 56x आ जाता है। और इसको बाकियों को करेंगे थ्री थ्री और एक्स को, थ्री मल्टीप्लाई एक्स, तो ये 9x आ जाता है। ये हमने इसलिए किया कि इनको मिड टर्म ब्रेक में ये होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -55 एक्स आना चाहिए, और इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, तो ये बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के साथ हम लिख लेते हैं -9x -56x, तो ये आ जाता है -65x, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर आ जाता है। और अगर प्रोडक्ट करते हैं -9x मल्टीप्लाई -56x, तो ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 504xx x² हो जाता है। तो यानी इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल बन जाता है। तो इसका मतलब ये मिड टर्म ब्रेक के लिए ये सूटेबल नंबर रहेंगे। तो हम लिख लेते हैं, अब 24x² -56x, दूसरा -9x +21। अब फर्स्ट रो में कॉमन लेंगे, वो आ जाता है टू फोर, फोर आ फोर एक्स आ जाता है, फोर बल्कि एट आ जाता है, एट एक्स कॉमन आ जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर 3x -7 आता है, और इन दोनों में कॉमन आ जाता है -3, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है 3x -7। तो ये एक जैसा कॉमन आना चाहिए, तो हम फाइनल आंसर इसका लिख लेते हैं 3x -7 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8x -3। तो इसके मिड टर्म ब्रेक बन जाते हैं और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आज इतना ही पढ़ लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।